सोच रही थी कि बहुत दिनों से क्रिएटिविटी बैक है, मैंने नहीं किया है, तो अब मैं कुछ करूं, लेकिन क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि समर वेकेशन में मुझे वो जो नेक पीस बनाए थे ना, वो बहुत ही यूज़फुल हुए हैं, तो क्यों ना उसमें कुछ आगे नए नेक पीस बनाए जाए। तो ये दोनों नेक पीस वो है जो मैंने क्रिएटिविटी बाय के में पहले बनाए थे, एक याना का और एक मेरा। फिर मैंने नई डिज़ाइन सोची और एक स्क्वायर में मैंने ऐसे बिल्डिंग्स बनाए हैं और दूसरे में कलर करके बटरफ्लाई लगाया है जो एक्रेलिक का आता है, और चारों मैंने साथ में बनाए थे तो चारों की वीडियो भी मेरे पास साथ में ही है। अब जो स्क्वायर वाले थे ना, उसमें मैंने नेल और हैमर से दो होल किए हैं और जो राउंड थे उसमें एक। फिर से लेते हैं थीन वायर। अब मैं सोच रही थी कि इसमें वूल यूज़ करूँ, तो थीन वायर को मैंने कट किया और उसको होल में से पास किया। डायरेक्ट वूल लगाने से पहले मैं सोच रही थी कि इसमें पिंक कलर का पर्ल डालूं। ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, फिर मैंने कर दिया ट्विस्ट। दूसरी साइड मैंने सोचा कि ग्रीन कलर का वूल लूं और ग्रीन कलर का पर्ल डालूं। अब दोनों एंड को कर दिया मैंने कट। फिर जो बटरफ्लाई के ऊपर जो प्लास्टिक था उसको मैंने निकाल दिया। अब ये पूरा लुक आ रहा है शाइनी। अब लेते हैं दूसरा पीस और सेम प्रोसीजर। इसमें भी मैंने वायर कट किया, होल में से पास किया, ट्विस्ट किया। फिर मैं सोच रही थी कि इसमें कलरफुल पल्स डाले जाए, तो फिर मैंने एक साइड येलो और उसके साथ थोड़ी कोड अटैच कर दी। अब दूसरी साइड ये कलरफुल बिल्डिंग्स है, तो मैं सोच रही थी कि दूसरी साइड कुछ अलग कलर के हम पल्स डालें, तो मैंने उसमें ब्लू कलर के पल्स डालने का भी सोच रही हूँ। देखते हैं कैसा लग रहा है। हाँ, ये बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैंने ये पूरा नेक पीस ट्विस्ट करके कट करके ऐसा बना दिया है। ये मैं सोच रही थी बिल्डिंग्स थोड़े फीके लग रहे हैं, तो उसको मैंने आउटलाइन करी ब्लैक पेन से। आपने क्रिएटिविटी बाय के पहले नेक पीस नहीं देखा है तो मैं आपको बताती हूँ कि 3D पेन से भी हम बॉर्डर कर सकते हैं। अब मैंने चारों नेक पीसेस साथ में रख के इसमें दिखाया है कि वो सब कैसे लग रहे हैं। मुझे तो भैया बहुत अच्छे लगे और मैंने समर हॉलीडे में फुल इसको यूज़ किया है। Thank you.